बारह बार का गला काट दिया गला क्यों काट दिया क्योंकि राजा लोग के समय स्वयंवर होता था चैलेंज होता था इस राजा का चैलेंज था कि जो मुझको युद्ध में पराजित कर देगा तो मैं अपने लड़की के साथ उसी राजकुमार के साथ ब्याह कर देगा। आप लोग तेरहवें में अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा खिलजी मुसलमान राजा चलो चला चलो युद्ध नहीं किया लड़की को कितने पर के यहाँ से भग गया इसलिए मंडप अनमैरिज है। जो आप लोग दीवार पे जितना छेदा देख रहे हैं ये सब में डायमंड छिलो जो रात होता था पूरा लाइट का काम करता था ये ब्रिटिश पीरियड जाते समय से वो खाड़ ले गया। अब यहाँ पे हर साल धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाता है आइए अंदर देखिए जीवन समाधि से अंदर में ऑरेंज का प्रमाण पत्र ऐसे आप लोग को भी देख रहे हैं जी तो खुले रहता ये विक्रमादित्य का बड़ो दादा राजा भर्तृहरि जीवन समाधि ये गुफा था गुफा में बैठ गए ऊपर से बोले कि समाधि बंद कर दीजिए तो अपनी इच्छा अनुसार समाधि ले लिए तो बोलते हैं विक्रमादित्य का बड़ो दादा राजा भर्तृहरि जीवन समाधि इनका समाधि हो गया। आप लोग नाम सुना होगा औरंगजेब औरंगजेब जानते थे कि हिंदू मंदिरों को मस्जिद बनाते थे जैसे आपका बनारस काशी दुर्बाद या औरंगजेब इस मंदिर पर आए तो तीन बार सलाम सलाम वालेकुम बोला तो हिंदू मंदिर में से आवाज़ निकलता नहीं है इस मंदिर के अंदर से आवाज़ निकला सोचा झूठा मंदिर है गलत मंदिर है यहाँ तोड़वा के कच्ची सी मस्जिद बना दिया जाए जो पूरा मंदिर का बाहर तोड़वा दिया समाधि देखे वो गड्ढा है सामने जब वहाँ पे घर मारता समाधि फट जाती है तो उसके अंदर से काले काले मुँह माछी बोलता निकलने लगता जितने उनका सैनिक तो तोड़ने वाले उनको परपिन्ने काटने लगते हैं तो औरंगजेब बोलता है इस गड्ढे में सरसों का कच्चा तेल गर्म करके गड्ढे के अंदर डाल दिया जाए किन्ने बोलता है सभी कल्ला समंदर अंदर समर जाएगा। जब गर्म करके तेल डाला गया तो और भी दुगना तिगना करने लगा क्योंकि मंदिर में शक्ति था खुद औरंगजेब यहाँ पे चल कर आए माफ़ी मांगा और प्रेम से खुशी से सरसों का कच्चा तेल डाला कितना बोलता तब शांत हो गया बंद हो गया और इसी जगह से औरंगजेब हिंदू मंदिर तो आना बंद करा दिया। ये चार पिलर जो गुम्बद देख रहे हैं औरंगजेब खुद बनाए उसका हाथों का ये प्रमाण है पहले भोजपत्र होता था जीरोक्स कॉपी है इस पर औरंगजेब लिखा कि हिंदू या मुस्लिम सिख ईसाई में कोई बादशाह आएगा इस मंदिर को इज्जत करेगा प्रणाम करेगा तोड़ने की खिलाफत नहीं करेगा जो भी यहाँ पर आएगा प्रणाम करेगा ये औरंगजेब लिखा। और यहाँ पर दादा अनेक छवि आते ना एक ने यूपी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर वो लोग मन्नत मानते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है एक ने 26 घंटा जो खुशी होता है ये लोग दान करता है। और एक चीज़ और यहाँ की खासियत है जो सामने जो कुंड जो देख रहे दादा वो गड्ढा जैसा कोई मन्नत मानता है आपको कोई मनोकामना पूर्ण होता है तो सरसों का कच्चा तेल ला के डालता है मन से हृदय से श्रद्धा से डालिएगा तो आधा ही लीटर में भर जाएगा कहीं आपके मन में छल है घमंड है तो लाखों टीना तेल डाल दीजिए कभी भरेगा नहीं और श्रद्धा से प्रेम से डालिएगा तो आधा ही लीटर में भर जाएगा एक खासियत इस मंदिर की। दादा जो सामने जो ढका जो आप लोग नहीं देख रहे हैं ढका हुआ ये सुरंगों था सुरंगों यहाँ से 5 दुर्गों पे गया था ये पहले टीवी चैनल पे चंद्रकांता नहीं आता था ये नौगढ़ विजयगढ़ राजगढ़ जहाँ खड़ा चुनार दुर्गों और दिल्ली के रेट फोर्ट यहाँ 700 किलोमीटर दिल्ली जाने में लोग 2 महीने लग जाता 2 महीने क्योंकि जब यहाँ से निकलते तो गंगा नदी हो जाता था कहीं कहीं रुकना हो जाता 10 किलोमीटर लोग रुकते थे फिर ऐसे जाते थे 1781 में तब ब्रिटिश गवर्नर लास्ट शासन काल था यहाँ का जब वो आया तो मुगल पीरियड में सब उर्दू चलती थी हर गेटों पर उर्दू लिखा था तो ब्रिटिश पीरियड नहीं पढ़ पाई सुरंग को बंद करा दिया सुरंग को 2019-18 में खोला जा रहा है क्योंकि इसको आर्को कॉलेज सर्विस ऑफ इंडिया गवर्नमेंट इसको ले लिया है अपना म्यूजियम की तैयारी करा ले इसको 1 किलोमीटर लिफ्ट लगा के लाइट एंड साउंड किया जाएगा। और सामने जेल देख रहे हैं
इधर देखिए जो पाथर अंदर है, जो पहले सेना लोग का बाड़ी था, जो राजा लोग के सेना के लोग इतने रहने के लिए यहाँ बनाया गया था। तो जो बात का बनाया सर ब्रिटिश पीरियड, जो इंडियन बच्चे चोरी करते थे उन बच्चों को पढ़ाते थे। अब इसके अंदर जो राजाओं जो तलवारें बंदूकें संग्रहालय नहीं है सब इसके अंदर ला के शिफ्ट करेंगे, टिकट लगाएंगे यहाँ पे 2 ईयर में, क्योंकि यहाँ पे 1 ईयर के अंदर पुलिस लोग खाली कर रहा है दुर्गों को। यहाँ पे म्यूजियम की पूरा व्यवस्था किया जा रहा है। हाय नीचे देखे जाओ तो, लेकिन तो नीचे ढाया गया।